नमस्कार। इस वीडियो में हम जिचित मैं निरखत हूँ पाठ को आगे पढ़ेंगे। इसकी पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब पंडित बिरजू महाराज जी के पिताजी का निधन हो गया था तो उनको और उनके परिवार को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो अब आगे पढ़ते हैं। हमें यहाँ से पढ़ना है। खैर, भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड। तो फिर वो भारतीय कला केंद्र आए जो कि पूसा रोड पे है, तो वहां पे वो एज टीचर आए, कथक के टीचर। वहां आए तो वहां भी छोटी क्लास मिली। तो ये बता रहे हैं कि जब वो भारतीय कला केंद्र में आए तो फिर वहां पर भी उनको छोटी क्लास मिली, कम ही बच्चे थे उनके पास। यहाँ भी झमेला वाली क्लास थी। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर भी वही झमेले वाली क्लास थी, मतलब काफी कम बच्चे थे। तो वो चाहते थे कि वो और अच्छे से पढ़ा सके, कि और अच्छे से सिखा सके कथक, और ज्यादा लोगों को सिखा सके। जबकि मेरे अंदर वो चढ़ने टुकड़े तिहाइयां बल खाती कि कोई आवे तो उसे दूं। तो कह रहे हैं कि मेरे पास इतना ज्ञान था कि कोई एक बार को कोई स्टूडेंट आ जाए तो मैं उनको सिखाना चाहता था, मगर उनके पास कोई अवसर ही नहीं आता था। पर वहां यह था कि बड़ी लड़कियां समझदार जो भी आएंगी बड़े महाराज के पास आवेंगी। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वहां पर यह था कि जो भी बड़ी लड़कियां थी तो वो जो जल्दी स्टेप्स पकड़ लेती, समझदार उनको कह रहे हैं, जो जल्दी सीख जाती थी और जो काफी प्रैक्टिस में भी अच्छी थी। तो उनको कह रहे हैं कि वो जो भी बड़ी लड़कियां आती थी वो बड़े महाराज के पास ही जाती थी। बड़े महाराज कौन? शंभू महाराज जी। शंभू महाराज जो पंडित बिरजू महाराज के चाचा जी थे। यहाँ काहे को आएंगी? अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था। तो वो यहाँ पर कहते हैं कि जो लड़कियां थी वो ये समझती थी कि शंभू महाराज जी की उम्र क्योंकि बहुत छोटी थी, अपने चाचा जी के सामने, फिर मतलब वो लोग समझते थे कि उनके जो चाचा जी हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इस मामले में, तो वो उन्हीं के पास ज्यादा जाती थी सीखने के लिए। खैर, उसमें से रश्मि जी एक लड़की मिली थी। तो वो बता रहे हैं कि खैर उनमें से मतलब एक बड़ी लड़की मिली थी जिनका नाम था रश्मि, क्योंकि अभी इनका साक्षात्कार ले रही हैं रश्मि वाजपेयी जी। उन्हें पूरे मन से सिखाया इसलिए भी कि हमको तो और कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं कि इनको तैयार करेंगे। तो तालीम देखकर जो महाराज के यहाँ थी लड़कियां अट्रैक्ट हुई। तो वो कहते हैं कि उन्हें उन्होंने एकदम पूरे मन से सिखाया रश्मि वाजपेयी जी को। तो उन्होंने ये सोचकर भी सिखाया कि चलो ये अच्छा परफॉर्म करेंगी तो क्या पता इनको देख करके सारी लड़कियां और दूसरी लड़कियां इनको इनसे सीखने आएंगी। तो मतलब उनको इन्होंने काफी अच्छी तालीम दी और हमारी तरफ खींचने लगी क्योंकि तालीम जरा अच्छी थी मेरी। तो यही हुआ भी कि रश्मि वाजपेयी जी को देख करके और भी काफी लड़कियां इनसे ही सीखने लगी, और अब सारी ज्यादातर लड़कियां जो थी वो इन्हीं की तरफ, इन्हीं से शिक्षा पाना चाहती थी कथक की। बस उसके बाद से बैले वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया उसमें असिस्टेंट था। तो फिर उसके बाद से जो लच्छू महाराज जी ने बैले वगैरह मालती माधव जी को सिखाते थे तो वो उनके असिस्टेंट बन गए उसमें। जबकि मजेदार बात यह है कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था अंदर अंदर, और वे कहते थे अबे जब वहां जाएगा तो बोल देना सबके सामने चाचा जी वो कौन सा मूवमेंट सिखाया था, तो मैं कहूंगा वो वाला, और फिर तू बना लीजिए अपने आप, बस तो बनाता मैं था। तो ये कह रहे हैं कि एज एन असिस्टेंट काम करते थे, मगर जो मेन काम था, जो स्टेप्स थे, जो एक्शंस थे उस डांसिंग फॉर्म के, वो सब बिरजू महाराज जी ही करते थे।
और जो इनके जो लच्छू महाराज जी थे वो कहते थे कि जब वहां पे जाओगे तो फिर बोल देना, ऐसे बोलना कि अरे आपने वो कौन सा मेरे को याद दिला सिखाया था, डांस डांस का कोई मूवमेंट सिखाया था ना, तो कहेंगे कि हाँ हाँ वो, फिर वो बोलते थे कि हाँ तू सबके सामने ऐसे फिर करके दिखा देना, मतलब कि मैंने सिखाया मगर मतलब दिखा देना कि मैंने सिखाया है और किसी को बताना मत, ये तुम्हारे बनाए हुए स्टेप्स हैं। और बरखा बहार गोवर्धन लीला बनाने के लिए साल 1.5 साल पहले आए थे। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था। नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया, केशु भाई और मैं साथ ही रहते थे। तो कहते हैं कि जब उनका कॉलेज चालू हुआ तो वो पूसा रोड ही आ गए थे। फिर वो उन्होंने क्या किया कि नीना जी के सामने उन्होंने ज्वाइन किया और उनके एक दोस्त थे, उनके एक पार्टनर थे केशु भाई, वो उनके साथ ही रहते थे। सूप आदि पीते थे, तो केशु भाई जो थे वो सूप वगैरह ज्यादा पीते थे, ये बेचारे बनाते थे, तो जो सूप वगैरह थे ये केशु भाई ही बनाते थे। मुझे तो वह भी नहीं आता था। यहाँ पर बिरजू महाराज जी बोल रहे हैं कि मुझे तो सूप तक बनाना भी नहीं आता था। बस उसके बाद संगीत भारती के सामने के जमाने में अपने होश में कलकत्ते में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। तो ये बता रहे हैं फिर उसके बाद संगीत भारती के जमाने में वो एक कॉन्फ्रेंस में नाचे थे जो कि कलकत्ते में हुआ था। उस समय दयाराम जी साथ थे, तो बता रहे हैं कि उस समय दयाराम जी इनके साथी में थे, वही मेरी देखरेख करते थे। इनको ले जाता था रखवाली के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ है वहां से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। तो वो बता रहे हैं कि दयाराम जी को ही वो अपने साथ लेकर चलते थे और वही उनकी देखरेख करते थे। और फिर जो कलकत्ते में उन्होंने डांस किया था तो वहां से ही कलकत्ते की ऑडियंस उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करती है, उनकी बहुत ज्यादा बड़ाई करती है, इतनी कि तमाम अखबारों में मैं छप गया एकदम। तो इन्होंने इतना अच्छा डांस किया था कि वहां से कलकत्ते की ऑडियंस ने इनको इतना प्रेज किया कि तमाम अखबारों में इनके फोटोज छपने लगे। और वहां से दूर डांसर्स थे तमाम, उनको भी लगा कि भाई लड़के ने कुछ कर ही डाला है। तो वहां और जो दूसरे डांसर्स आए थे कलकत्ते के कॉन्फ्रेंस में, तो उनको भी ऐसे एकदम पता चल गया था कि हाँ एक लड़का है जो बहुत अच्छा डांस करता है, मतलब कुछ दम है उसके अंदर, लड़के के अंदर। मतलब वहां से लोगों को पता लगा कि मैं कुछ हूँ घर का, यानी कि मेरे जो दादा परदादा के जमाने, जो पुराने जमाने से जो मेरे यहाँ नृतक रहे हैं, जो डांसर्स रहे हैं, तो उनको भी वहां से ऐसा लगा कि हाँ ऐसे घराने से मैं हूँ कि मतलब मेरा जेनेटिक्स में है डांस, मेरे जीन्स में है डांस। पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है, तो ये बता रहे हैं कि मगर उस समय की कुछ इन्होंने न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह नहीं रखी है। बहुत पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी बात है ये। तो वहां से मेरा एक मोड़ हुआ। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रज नारायण ने बुलाया। तो उसके बाद फिर वो हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस में जो कि बम्बई में हुआ था, तो ब्रज नारायण जी ने उनको बुलाया था। वह भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया। तो ये बता रहे हैं कि वहां पर भी जब वो नाचे तो फिर वहां पर भी उनका जो डांस था, परफॉर्मेंस था, वो बहुत अच्छा गया। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद, तो ये भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद ये सब हुआ उनका, उनके साथ। उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते बंबई और इन्हीं दिनों कुछ अरसे के बाद मद्रास
भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया था मद्रास। तो ये बता रहे हैं कि उसके बाद से फिर जब जो ईश्वर की कृपा बरसी उनके ऊपर कि उनके प्रोग्राम कलकत्ते और बम्बई में भी होने लग गए और कुछ दिनों पहले ही ये मद्रास गए थे। फिर उसके बाद भारतीय कला केंद्र के साथ ही वो मद्रास गए थे। और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, इज्जत करने लगे। तो इनकी डांस परफॉर्मेंस को देख करके ही इनको सब लोग प्रेज करने लगे, इनको सब लोग और भी ज्यादा इनकी प्रशंसा करने लगे और इनको चाहने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते हैं उनमें मेरा नियम था 4 बजे उठना बगैर नागा। तो वो बता रहे हैं कि 3 साल जो उन्होंने काम किया था संगीत भारती में, तो उनका एक रूटीन था। क्या रूटीन था? कि सुबह वो रोज 4 बजे उठ जाते थे बिना किसी देरी के, चाहे बुखार चढ़ा है चाहे खांसी आ रही है। सुबह 5 बजे से रियाज, 5, 6, 7, 8 तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास सुबह की। तो बता रहे हैं कि वो इतने ज्यादा डेडिकेटेड थे अपने प्रोफेशन को लेकर के कि वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे और फिर वो 5 बजे से रियाज करना चालू करते थे, यानी रियाज यानी कि प्रैक्टिस करना चालू करते थे, कथक की अपनी प्रैक्टिस करना चालू करते थे। और वो 5, 6, 7, 8 मतलब कुछ भी हो, खांसी हो, बुखार हो, जुखाम हो, उन्होंने लेकिन कभी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी और वो कई कई घंटे तक प्रैक्टिस ही करते रह जाते थे। फिर जब 8 बज जाते थे तो फिर वो घर जाते थे 1 घंटे में तैयार होकर, फिर वो अपनी 2 घंटे की क्लासेस लेते थे 9 बजे से। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया, मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके किया करता था। जब बाद में थक जाऊं मैं तो जो भी साज हाथ आए, कभी सितार कभी गिटार कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं, मतलब रिलैक्स होने के लिए। तो बता रहे हैं कि वो यही सोचते थे कि यही मेरे पास समय है, जो है 3 साल है उसी में ही मेरे को जो करना है मैं अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो क्या करते थे, रात को अंधेरे कमरे में अपना बंद करके अपना ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहते थे। और फिर जब वो थक जाते थे प्रैक्टिस करते करते तो वो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लिया करते थे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। तो वो यहाँ बता रहे हैं कि कभी वो गिटार बजा लेते थे, कभी सितार बजा लेते थे, कभी हारमोनियम। तो मतलब अपने आप को रिलैक्स देने के, रिलैक्स करने के लिए, शांत करने के लिए अपने आप को थोड़ा वो इंस्ट्रूमेंट्स को भी बजा लिया करते थे। सितार भी मैं बहुत बजाने लगा था। तो बता रहे हैं कि सितार भी वो खूब बजाने लगे थे, उनका मन लगने लगा था सितार बजाने में अच्छा खासा, हाँ खूब जोरों से। फिर हाथ में शक्लें बनने लगी मिजराब की वजह से, तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया कि डिस्टर्ब करेगा डांस में, कि 2 आंखें दिखेंगी, तो मैंने सितार छोड़ दिया। तो ये बता रहे हैं कि इनको क्योंकि सितार बजाना बहुत अच्छा लगता था, तो खूब अच्छे से बजाते थे, तेज तेज बजाते थे, बहुत प्रैक्टिस करते थे, बट फिर हाथ में क्या हुआ, उनके गड्ढे पड़ने लग गए। तो इस वजह से उन्होंने डर के मारे उसको छोड़ दिया कि डांस जब करेंगे तो फिर उनको दिक्कत आएगी डांस करने में। तो क्योंकि उनका हाथ का मतलब उनका जो मेन बॉडी का वो है, बॉडी पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है बॉडी का, तो अगर उसमें कुछ भी दिक्कत आ जाएगी तो फिर वो उनके प्रोफेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने सितार बजाना छोड़ दिया। गिटार बजाने लगा ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे। सो फिर उन्होंने जब सितार बजाना छोड़ दिया तो फिर उन्होंने फिर शौक के लिए अपने गिटार भी बजाना चालू कर दिया। सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा, फिर
बांसुरी मेरी बहुत दिन चली। तो उन्होंने फिर पहले सितार सितार बजाना चालू किया, तो क्योंकि हाथ में घट्टे आने पड़ रहे थे तो फिर सितार छोड़ दिया। फिर उसके बाद गिटार बजाना चालू किए, तो कुछ दिनों बाद वो भी छोड़ दिए। फिर उसके बाद बांसुरी उन्होंने बजानी चालू की, तो फिर वो तो उन्होंने काफी दिन तक बजाई। मतलब शौक के मारे बजाता रहा, यानी कि उनको इतना शौक था, उनको कला, उनको आर्टिस्टिक चीजों में इतना शौक था कि वो शौक के लिए मतलब काफी हर जिस भी चीज में अपना मन लगाते थे, उस हर चीज में उनको वो एकदम डेडिकेट हो जाते थे। तो शौक के मारे वो ये सब बजाया करते थे। डागर साहब के साथ ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा हूँ, वे नीचे गुनगुना रहे हैं। तो बता रहे हैं कि डागर साहब के साथ भी जब वो ट्रेन में भी जाते थे, तो फिर वो मान लो ऊपर बैठे हैं, डागर साहब नीचे बैठे हैं, तो फिर जब वो ट्रेन में भी जाते थे तो फिर वो अपना आराम से बजाते थे, और डागर साहब नीचे बैठ करके गुनगुनाते थे, गीत वीत गाते थे। तो शौक उसका भी रहा, फिर सरोज भी चलता रहा, सरोद भी चलता रहा। तो फिर वो बता रहे हैं कि शौक उनको ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का भी रहा। खैर, सरोद तो अभी भी मेरा शौक है, तबला मैं शुरू से बजाता हूँ। वो बता रहे हैं कि तबला मैं शुरुआत से ही बजाता हूँ, हारमोनियम थोड़ा बहुत, लहरा बजाने के लायक बहुत शुरू से बजाता हूँ। शुरू में फिल्मी गाने गाकर मैं पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था। तो वो बता रहे हैं कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये अपने शौक के लिए बजाते हैं। फिर तो उसके बाद बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तो फिर वो फिल्मी गाने खूब गाया करते थे, और मोहल्ले के लोग जो थे उनको गाना सुनकर के खूब खुश रहते थे। तो वही कि फिल्मी गाने गाकर वो मोहल्ले के लोगों को खूब खुश किया करते थे जब वो छोटे थे, जब मैं छोटा था। और दो एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना बजाना बजा और दो एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना बजाता रहा, डागर साहब के साथ ट्रेन में। और दो एक फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर बहुत खुश होती थी, तो खाना वाना भी खिला देती थी। तो यहाँ बता रहे हैं कि और जो एक दो फैमिलीज थी वो मोहल्ले में उनका गाना सुनती थी, तो वो जब खुश हो जाती थी तो वो उनको खाना वाना भी जो था उनको खिला देती थी कभी कभार। सिंधी फैमिली थी वो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी, कभी दाल मखाने की सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। तो वो बता रहे हैं कि कभी अगर दाल मखाने की सब्जी बने तो वो मेरे को चुपचाप लाकर खिला भी दिया करती थी उस समय। उन दिनों मतलब हमारी हालत भी ऐसी थी कि कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। तो वो बता रहे हैं कि उस समय इतनी मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि अगर उस समय कोई खिला भी दे तो काफी उनको अच्छा लगता था, काफी उनकी मदद हो जाती थी। खैर, फिर उसके बाद तो फिर यहाँ काम करने करने लग लगे नए नए। तो वो बता रहे हैं कि फिर उसके बाद तो हम यहाँ पे आ गए, पर काम करने लगे अलग अलग जगहों पे नए नए। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही है आपको कि कितने वेले किए दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल, और फिर विदेश टूर भी शुरू हो गए। तो बता रहे हैं रश्मि वाजपेयी जी से कि उसके बाद की तो कहानी आप जानती ही हैं कि उन्होंने क्या क्या काम किए, कितने वाले किए अलग अलग, और फिर उन्होंने हिस्टोरिकल और विदेश टूर भी किए हैं, तो उनके जो बाहर फॉरेन टूर्स थे वो भी शुरू हो गए थे। रूस पहला हमारा ट्रिप था जिसमें कुमार संभव लेकर हम लोग सब गए थे। तो वो सबसे पहली बार रूस गए थे जहां पर उनको कुमार संभव लेकर गए थे।
अगला सवाल रश्मि वाजपेयी जी पूछती हैं, आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं, 27 साल का था तब, मैं बहुत छोटे में ही, मेरी सब चीज बहुत छोटे में ही जल्दी जल्दी हो गई। तो कह रहे हैं कि जब वो 27 साल के थे तो तब उनको मिला। तो वह बोल रहे हैं कि मैं बहुत छोटा ही था तो उसी सब में मेरे को काफी कुछ मेरी जिंदगी में घट घट गया था। क्योंकि क्या बताते हैं कि 6 या 7 वर्ष की उम्र से उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया था। फिर 9.5 साल की उम्र में उनके पिताजी का निधन भी हो गया था। और ये 27 साल की उम्र में नाटक अकादमी अवार्ड पाना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये बहुत ही कम उम्र में उनको इतना बड़ा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। अगला सवाल पूछती हैं रश्मि वाजपेयी जी, आपकी शादी किस सन में हुई? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं, ओ माँ, मैं 18 साल का था, बस इतनी ही याद है मुझे। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी। बहुत बड़ी गलती की, जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर लें फिर शादी करेंगे। तो बता रहे हैं कि जब वो 18 साल के ही थे, पहले तो काफी छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। तो ये बता रहे हैं कि जब वो 18 साल के ही थे तभी उनकी अम्मा जी ने उनकी शादी कर दी थी। तो वो यहाँ कहते हैं कि उन्होंने उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गलत डिसीजन लिया गया, कि वो चाहते थे कि कुछ कमा लें, कुछ हासिल कर लें अपनी जिंदगी में, उसके बाद ही शादी वादी का सोचें। पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको तो चिंता थी कि पिताजी मर भी गए, उनका क्या होगा पता नहीं। तो बता रहे हैं कि उनकी अम्मा जी को उनकी शादी की चिंता लगी रहती थी कि उनके पिताजी भी नहीं है तो फिर उनके बाद उनका क्या होगा। उस घबराहट में शादी कर दी। तो ये बता रहे हैं कि उसी जल्दीबाजी में उनकी अम्मा जी ने शादी कर दी। पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा, एक जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ गई। तो बता रहे हैं कि इतनी कम उम्र में जो उनकी शादी हो गई तो उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन रहा, बहुत ही नुकसानदेह रहा। वो तो बताते हैं कि एक जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी, एक बर्डन आ गया था। कि मतलब क्या होता है, शादी के बाद फिर गृहस्थी वास्ते में आदमी लग जाता है, तो फिर ज्यादा आदमी पहले खाने पीने का, अपनी फैमिली का सोचता है। तो बताते हैं कि पहले मेरे को कमाना था थोड़ा मोड़ा, उसके बाद ही मैं शादी करने का सोचा था, मगर ऐसा नहीं हो पाया। और शायद नौकरी में नहीं भी करता, अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था, लेकिन इन पाबंदियों ने शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीजों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे। तो बता रहे हैं कि मैं और ज्यादा अपने डांस पर ध्यान दे सकता था। कह रहे कि शायद मैं नौकरी नहीं भी करता, बट मैं अपने डांस पर और भी ज्यादा ध्यान दे सकता था। बगैर शादी हो गई तो फिर मैं उनके ऊपर कुछ पाबंदियां लग गई। तो कहते हैं कि फिर गृहस्थी संभालना था, उनको घर संभालना था, लखनऊ का भी काम संभालना। तो इन चीजों ने उनको काफी मजबूर कर दिया कि अब नौकरी नहीं करना है तो फिर क्या करना है, नहीं तो फिर कैसे घर चलेगा बिना पैसों के। वरना छोड़ छाड़ के अपना अकेले फिल्म में भी चाचा जी की वजह से उनका असिस्टेंट बन सकता था मुंबई जाकर। तो बता रहे हैं कि वरना मैं छोड़ छाड़ करके चला जाता बम्बई फिल्मों में, तो अपने चाचा जी का असिस्टेंट बन जाता। पर लालच शुरू में, जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता है कि बम्बई भाग जाओ। तो बता रहे हैं कि जैसे बच्चे सोचते हैं कि बड़े शहर भाग जाओ, यहाँ पर क्या रखा है घर में, छोटे से गांव में क्या रखा है, वहां पे बड़े शहर में जाकर के नौकरी मिलेगी, कुछ पैसा कमाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि उसी तरीके का लालच उनको भी आया कि बम्बई जाकर अपना कुछ फिल्म विल्म में अपना आजमाए जिंदगी।
खैर वो तो अच्छा हुआ, अच्छा ही हुआ जो नहीं गया। कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि ये ठीक नहीं है। तो बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे आ तो जाते हैं गांव से शहर में, मगर काफी कुछ बार क्या होता है कि उनकी ट्रैफिकिंग हो जाती है, या फिर ज्यादा ज्यादा अगर ट्रैफिकिंग नहीं भी होती तो फिर उनके पास, उनको पहले तो नौकरी ढूंढने में ही बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, और इतनी कम उम्र में कोई आ जाए तो फिर वो जिंदगी क्या ही है। तो कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ कि मैं बम्बई बम्बई नहीं गया, और कुछ समझदार लोगों ने उनको एडवाइस भी दे दी कि ये चीज ठीक नहीं है। अच्छा ही हुआ जो बच गया। खैर बाद का हमारा किस्सा। फिर सत्यजीत रे की फिल्म का रीसेंट किया था, उसके बाद से भी मेरी एक बड़ी खास आदत रही है, जिससे कि मेरे बाबूजी की भी थी, कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना है, ऐसा बना देना कि मैं खुद। तो बता रहे हैं कि उनकी एक बहुत ही अच्छी आदत थी जो कि उनके पिताजी से उन्होंने सीखी थी, कि अगर उनका कोई स्टूडेंट है, कोई शागिर्द है, तो उनको पूरा इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ सिखा देना है जैसे वो खुद सीखे, अपना एकदम परछाई बना देना है, कुछ भी उनसे छुपाना नहीं है, एकदम पूरी तरीके से उनके ऊपर मेहनत करनी है और उनको एकदम अच्छे से अच्छा बनाना है, यह कोशिश है। पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए तब। तो बता रहे हैं कि अब टीचर ही इतना ज्यादा करेगा तो उससे भी कुछ नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट को भी थोड़ा आना चाहिए करना, स्टूडेंट भी थोड़ा मेहनत करे तभी तो होगा। मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चीज चुराता नहीं हूँ, कि अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना है। तो बता रहे हैं कि मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि सब मेरे लिए एक समान है, जो शागिर्द है, क्या बेटा मेरा अपना बेटा या फिर क्या मेरे शागिर्द, सब मेरे लिए एक समान है, सबको मैं एक समान ही सिखाऊंगा। ये नहीं कि अपने बेटे के लिए कुछ चुरा करके रख लूंगा कि नहीं, मैं ये सिर्फ अपने अपने बेटे को ही बताऊंगा ये सीक्रेट स्टेप्स, और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तो उनमें ऐसा कुछ छल कपट लालच वालच नहीं था, उस लड़की को नहीं सिखाना है। तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ अपने बेटे को ही सिखाना है, अपने किसी शागिर्द को नहीं सिखाना है, ऐसा नहीं था मेरे अंदर। यह मेरे भेद नहीं है, मतभेद बिल्कुल नहीं है। तो बस यह छोटी सी कहानी थी मेरी, फिलहाल डिटेल में तो पता नहीं बहुत कुछ है। तो बता रहे हैं कि तो बस यही एक छोटी सी कहानी थी मेरी, अब डिटेल में तो अगर जाएं तो फिर बहुत कुछ है अभी बताने को। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।